तेनु सत समुंदरों पार तोहफे विच देके हार तेनु खूब करा मैं प्यार। तो प्रीव्यू सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कौन से सॉन्ग का रिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज हम मनाने वाले हैं हनी सिंह का कला स्टार सॉन्ग का रीमेक। जितनी इसकी हाइप थी उतना ही अच्छा सॉन्ग मुझे ये लगा। मतलब हनी सिंह से जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर तो बिल्कुल परफेक्ट ही रहा। अभी तक जो चल रहा था उससे तो काफ़ी अच्छा था। प्रोजेक्ट का टेम्पो है 95। सबसे पहला मैंने लगाया है गिटार, जो कि सॉन्ग का मेन एलिमेंट है। तो वो गिटार जो है स्ट्रमिंग गिटार है, इसीलिए मैंने उसे बजवाया नहीं किसी से, क्योंकि टाइम कम था, जल्दी रिलीज़ करना था। एंड उसको बैंड लैब में बनाती तो इतना मज़ा नहीं आता, तो मैंने उसका सैम्पल यूज़ किया है। आप लोगों को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद मैंने यूज़ की है वोकल चॉप्स, जो कि कुछ ऐसे साउंड करती हैं। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी बेस लाइन पे। तो बेस लाइन जो है ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं थी, लेकिन मतलब इजी ही पैटर्न था बेस लाइन का भी। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न है। रूलर के अकॉर्डिंग 13 से मैंने इसका लूप बना रखा है, जो कि एक्सटेंड हो रहा है फुल सॉन्ग में। हमने सिर्फ 1 मिनट 15 सेकेंड या फिर 12 सेकेंड ऐसा कुछ सॉन्ग बनाया है, पूरा सॉन्ग नहीं बनाया, क्योंकि सेम ही पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इन्हीं पैटर्न्स को आगे भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने बनाई है किक, जिसमें मैंने यूज़ की है निक पैप्स सैम्पलर किट, सैम्पलर्स में आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने किक का कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है। अगर आप देखकर बना रहे हैं तो वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स दिखा रखे हैं, कहां से कहां तक क्या एलिमेंट है, आप इसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। किक को मैंने एक और सैम्पलर किट से लेयर किया है, जिसका नाम है फीवर न्यू डिस्को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाई हैट्स पे। तो हाई हैट्स का कुछ ऐसा पैटर्न है, सेम वही वाली पैप्स वाली किट में बना रखा है। नेक्स्ट है क्लैप, और इसके साथ मैंने एक स्नेयर यूज़ किया है। तो क्लैप का जो पैटर्न है वही स्नेयर का भी है। क्लैप के लिए भी मैंने सेम वही की वही पैप्स वाली सैम्पलर किट यूज़ की है। इसे लेयर किया है मैंने एक स्नेयर से, जो कि है लोफी हॉप किट का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, जो कि है स्नेयर एच। इसके लिए मैंने यूज़ की है विंटेज हिप हॉप किट, और ये कुछ ऐसा साउंड करता है। फिल्स, जो कि एक जगह यूज हुई है आगे जाकर। इसके लिए मैंने यूज की है रेगे किट, जिसमें ये छोटू सा पैटर्न है फिल्स का। एंड लास्ट में मैंने एक मेलोडी बनाई है, जो कि कोरस पोर्शन में बज रही है। सेकेंड पोर्शन है,
इसका चल रहा है 25 से लूप एक बार। सो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं सारे एलिमेंट्स। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट्स। तो गिटार पे मैंने लगा रखा है एक यूनिवर्ब यानी कि रिवर्ब। नेक्स्ट मैंने जो वोकल चॉप्स है उस पर कुछ नहीं लगाया क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। किक पे मैंने लगा रखा है बेस बूस्ट दोनों किक्स पे। जो लोफी हॉप में स्नेयर था उस पर मैंने लगा रखा है लार्ज स्टूडियो रिवर्ब। फिल्स पे मैंने लगा रखा है स्पेस मेकर। एंड लास्ट मेलेडी पे लगा रखा है विंटेज गिटार। अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स और पैनिंग। एंड नाउ फाइनल रिजल्ट। अगर आपको और किसी सॉन्ग का रीमेक चाहिए तो चैनल पे बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं।